आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको लिविंग रूम में कौन सा पेंट का कलर लेना चाहिए, उसके साथ फर्नीचर कौन से कलर का अच्छा जाएगा, तो यस गाइस, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपने लिविंग रूम को किस कलर से डिज़ाइन कर सकते हैं एंड उसको किस फर्नीचर के साथ कॉन्ट्रास्ट में लेके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग बात करते इंटीरियर की और डिजाइनिंग की कि कैसे आप अपना घर सुंदर बना सकते हो, वो भी अपने ही बजट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ना, अगर आपको अपने लिविंग रूम में बहुत ज्यादा ड्रामा चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो सी ब्लू कलर। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको डीप कलर्स पसंद है तो कभी भी नेवी ब्लूज में मत जाना, नेवी ब्लू को आपको चेंज करना है सी ब्लू कलर्स में। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड 2024-25 में बहुत ट्रेंड करने वाले हैं, ये आपके लिविंग रूम को बहुत अच्छा स्टेटमेंट लुक देंगे। आप ना इसके साथ अपनी वॉल पे ना कॉन्ट्रास्ट में भी प्ले कर सकते हो, मतलब कि हाफ वॉल ब्लू करके हाफ को आप वाइट या फिर बेज रख सकते हो ताकि कॉन्ट्रास्ट में आए। एंड इस ब्लू के साथ ना सोफे का कलर टैन रेड, टैन बर्न्ट ऑरेंज या फिर ग्रे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम से आपकी वॉल को हाईलाइट कर देगा। एंड जो भी न्यू गेस्ट आपके घर में आएंगे ना, उनको आपके घर में एक ड्रामा बिल्कुल नज़र आएगा। सेकेंड ना, अगर आपको अपने घर में चाहिए थोड़ी सी कोजी वाइब्स, वेलकम वाला फील हो, कामनेस हो, आपको घर आते रिलैक्स फील हो, तो उस केस में ना आपको न्यूट्रल्स के साथ ना वुड जो होता है ना, लाइक वुड टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं, वो इन्वॉल्व करना है ताकि आपका घर एक वेलकमिंग होम लगे। इस केस में ना अगर आपका जो लिविंग रूम है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप इसको ईजिली फिट कर सकते हो, बिकॉज आपको वुड कम से कम यूज़ करना है, बाकी न्यूट्रल्स आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं। न्यूट्रल्स मेरा मतलब होता है हमेशा बेज का और वाइट का, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अगर मैं कलर कोड्स की बात करूँ तो आपको कलर कोड्स ना स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। एंड इस कलर के साथ ना ऑफकोर्स न्यूड्स है तो सोफे के अंदर आप कोई भी डार्क कलर लेके आ सकते हो, लाइक ऑरेंज हो गया, अपना ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, या फिर पेस्टल शेड्स हो गए, पिंकिश शेड्स हो गए, तो वो सारे के सारे इस थीम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा न्यूट्रल ही रहे, तो इस केस में आप सोफे को भी थोड़ा न्यूट्रल में ले आके ना उसके ऊपर जो कुशन्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और कोजी फील्स मिलेंगी इन कलर्स के साथ। और ना अगर आपको अपने लिविंग रूम में थोड़ी जॉयफुल वाइब्स चाहिए कि आपको घर आते थोड़ा जॉय फील हो, खुशी फील हो, तो ग्रीन कलर इज़ फॉर यू। अगेन आपको बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन में अब नहीं जाना, आपको यूज़ करने हैं ऑफलाइन ग्रीन जिसके अंदर हल्की टेंट होती है ग्रे की और बेज की, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपके लिविंग रूम को एक स्टेटमेंट कलर देंगे। एंड आपका लिविंग रूम ना सिर्फ एक कलर के साथ ही बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। नाउ इट्स अप टू योर डिज़ाइन ओनली कि आप इस कलर से पूरी वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर एक कॉर्नर को ही हाईलाइट करना चाहते हो। एंड इसके साथ ना बेज कलर का एंड पिंक कलर का एंड टैन ब्राउन कलर के सोफे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इससे ना आपका जो लिविंग रूम होगा ना वो जॉयफुल के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा आपको एक ग्रीन वाइब्स देगा। प्लांटेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो वुड के साथ, आपको अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाना है अपना ग्रीन का, बेज का और वुड का। वुड टेक्सचर ना आप अपने टेबल में, साइड लैंप्स में या फिर जो आपके फर्नीचर के लेग्स हो गए तो वहाँ पे वुड टेक्सचर डाल के ना इसको बहुत ज़्यादा अर्थी टोन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए घर के अंदर रिचनेस, तो रिचनेस ना ग्रे कलर सबसे ज़्यादा लेके आता है, बिकॉज ग्रे कलर्स बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होते, बहुत वाइब्रेंट भी नहीं होते, बहुत काम होते हैं एंड बहुत अच्छी रिचनेस आपके घर में लेके आ सकते हैं। तो राइट ग्रे ना आप एशियन पेंट का टियारा यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्रे है, वार्म टोन्ड है लेकिन बहुत डार्क नहीं है एंड आपकी लिविंग रूम को चार चांद लगा देगा। आपका लिविंग रूम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप दोनों ही जगह पे ये कलर यूज कर सकते हो। एंड इट्स अप टू यू ओनली कि आपको एक वॉल को हाईलाइट करना है या फिर चारों वॉल को सेम कलर में रखना है, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड ग्रे के साथ ना अपना ब्लू हो गया, टैन ब्राउन हो गया या फिर बेज या फिर वाइट हो गया, इस टाइप के सोफे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अगर आपने वॉल्स पे ग्रे यूज़ किया है ना, तो थोड़ा सा मेटल का हिंट लेके आ सकते हो ताकि लग्जरी और ज़्यादा दिखे, रिचनेस वाली फील आपको भर भर कर आए एंड आपके गेस्ट को आते ही आपका घर ना
एकदम रिचफुल लगे तो दैट्स द बेस्ट कलर, आप ग्रे कलर को लेके आ सकते हो अपने लिविंग रूम के अंदर। बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको चाहिए रस्टिक लुक ना, तो अब आपको टैन ब्राउन की जगह जाना है लाइट कॉफ़ी कलर में। आजकल लाइट कॉफ़ी कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा रिचनेस देता है, बिकॉज बहुत ही काम कलर है, रस्टिक वाली फील भी देगा लेकिन इतना बहुत ज़्यादा निखर के लाइक वाइब्रेंट होके नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कलर ना लिविंग रूम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो कोड है वो आपकी स्क्रीन पे है एशियन पेंट का, एंड इसके अंदर भी इट्स अप टू यू ओनली, आप एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हो या फिर चारों वॉल को सेम भी रख सकते हो। एंड ये बहुत डार्क कलर नहीं है, वार्म टोन है लेकिन बहुत डीप नहीं है, बहुत डार्क बहुत बोल्ड नहीं है। इस कलर के साथ ना आपका बेज कलर का सोफ़ा या फिर सेज ग्रीन कलर का सोफ़ा या फिर रस्टिक रेड या ऑरेंज या ब्लू कलर के सोफ़े बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। आप इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में प्ले कर सकते हो, लाइक वॉल पे आपका कॉफ़ी कलर होगा, लाइक लाइट कॉफ़ी कलर होगा, एंड आपका फर्नीचर हो सकता है बर्नट ऑरेंज या फिर लाइट ग्रीन कलर का या फिर ब्लू कलर का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर भी ना आपके घर में बहुत ज़्यादा रिचनेस, बहुत ज़्यादा रस्टिक लुक के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा रिचनेस लेके भी आ सकता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।